अब रतनपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र परिसर में भारी भरकम दो सूखा पेड़ पाछू कई बछर ले खड़े हे। एकर सूखा टहनी टूट के कभी भी गिर सकत हे, जेखर ले बड़का और गंभीर हादसा हो सकत हे। देखा एक खास रिपोर्ट। शिकायत के बाद भी रतनपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में खड़े दो सूखा पेड़ के कटाई नहीं करे जाते। उक्त पेड़ ला हटाए के शिकायत स्थानीय चिकित्सा प्रभारी डॉक्टर अनिल श्रीवास्तव कतिले कत को बार अधिकारी मनले करे गई से। 12 से सूखना शुरू हुए थे और बाद में धीरे धीरे सूख भी गया और सूखे साथ उसकी टहनी बस बची है उसमें। अब धीरे धीरे करके दीमक भी लग गया, पूरे अंदर से खोखला हो गया है। उनके तार पेड़ के नीचे से 11 केवी का विद्युत लाइन भी चल गया है। तो हमने इस बारे में उच्च अधिकारी को सूचित करते 2014 में एक लेटर भी लिखा था, जिसमें अनुरोध किया गया था कि सागौन के वृक्ष को वन विभाग द्वारा कटवाया जाए, ताकि ये पेड़ कभी भी आंधी तूफान गिर के जनधन को हानि पहुँचा सकता है। जब हमारे चैनल कतिले नायब तहसीलदार सुनील अग्रवाल ला एकर जानकारी दी गई, तब ओहा मौका में पहुंच के स्थिति के जायजा लीस और उच्च अधिकारी मन ले बातचीत करके पेड़ ला जल्दी कटवाए के आश्वासन दीस। प्राप्त हुआ है, मैंने पेड़ को देख लिया है, कल प्रतिवेदन बनाकर अग्रिम कार्यवाही के लिए सूखे के पेड़ है, सागौन वृक्ष है, इमारती लकड़ी के, अनुमति के लिए उच्च अधिकारी को लिखा जाएगा। अनुमति मिलते इसको काट के अलग किया जाएगा, तो तत्काल कंसिडरेशन में लिया जाना चाहिए था। मैंने आज आके इंस्पेक्शन के दौरान देखा है, वृक्ष सूख चुका है, इसकी अनुमति तत्काल ली जाएगी। इस मामला में हमन बात करें वन परिक्षेत्र अधिकारी ले ता उमन के कहना है। कटवाने संबंधी प्रभारी चिकित्सा अधिकारी का लेटर 14 में प्राप्त हुई है और इस सिलसिले में जो आवास जो सामुदायिक भवन है वो राजस्व लैंड में है और इसमें राजस्व विभाग के द्वारा कोई कटाने के लिए वन विभाग को सूचना नहीं दी गई है, जिसके कारण यह कार्य विलंब रहा है। और मैं उस पेड़ को जाके देखा भी हूँ और कटाने की बहुत ही आवश्यकता है। इसमें नगर निगम, बिजली विभाग, राजस्व, वन विभाग सभी संयोजन से वो पेड़ काटा जाएगा, क्योंकि वो दुर्गम स्थिति में है। अब देखना यह है कि सूखा पेड़ ला कटवाए जाही या फिर कोनो गंभीर हादसा के इंतजार करे जाही। रतनपुर ले हमर डिजिटल रिपोर्टर गुरुदेव सोनी की रिपोर्ट।